राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में एक महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है, उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी, लंदन में के हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़ कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? मैं आज भारत के हर नागरिक की ओर से राहुल गांधी से कहना चाहती हूं कि संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है, हमारे देश की संवैधानिक परंपरा, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोदने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। एट द फीट ऑफ इंडियाज कलोनियल पास्ट
राहुल गांधी लैमेंटेड द लैक ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन इन इंडियाज डेमोक्रेसी टू ब्रिंग टू अ हॉल्ट इंडियाज रिजिलियंट ग्रोथ स्टोरी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. The lies that became a foundation of his conversation in England were many. He claimed that he does not have access to conversation in Indian universities. That for him was indication of death of democracy. My question today to Mr. Gandhi is this. In 2016, Rahul Gandhi went to an Indian university in the national capital and supported the slogan of Bharat Tere Tukde Honge. Rahul Gandhi further states in his travels to the United Kingdom that democracy is being blown to smithereens. However, this very gentleman in Jammu during the Bharat Jodo Yatra said all is well in India. Which was a lie, Mr. Gandhi? Your statement in India or your statement in England? That Rahul Gandhi attacked not only the magnificence of the Indian Parliament, but also the supremacy of institutions such as the Supreme Court of India, the Election Commission of India, is now known to every Indian citizen. I question Rahul Gandhi today that when he helps elect to Parliament a congressman who gives a clarion call to kill people, is that democracy? When the Gandhi family directs congressmen and women to tear papers and throw it at the speaker's chair in the Lok Sabha, is that democracy? When the Gandhi family directs congressmen in Rajya Sabha to tear books, jump on tables, and humiliate the chair of the Vice President of India in Parliament, is that democracy? Today, every Indian citizen demands an apology to the Indian Parliament, which is not mere an amalgamation of parliamentarians. It is the voice of the Indian people. It is the constitutional reflection of the will of the Indian people. It is shameful that Rahul Gandhi, instead of coming to Parliament and apologizing for his undemocratic rant against India, today seeks to be absent from Parliament. Democracy, Mr. Gandhi, is not in peril. The Congress Party has been brought to political perish by the people of India for this very behavior that you exhibited against the nation state overseas.